तमाम दिनों से ट्रेनिंग चल रही है सर, उस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को बेसिक ये बताना है कि तंदूर क्या है, तंदूर को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और तंदूर से क्या क्या बनता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि तंदूर क्या है, तो तंदूर इज अ क्ले ओवन, ये साफ सुथरा क्लियर है। हम आपको बताएंगे तंदूर कैसे बनी है, ये तंदूर अगर बनी है तो कैसे बनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक शब्द में अगर पूछा जाए तो तंदूर क्या है, तंदूर एक क्ले ओवन है। इसके अलावा हम सब ने देखा है तंदूर क्ले ओवन है तो कौन सी क्ले इसमें इस्तेमाल होती है, ये जानना जरूरी है। आप चिकनी मिट्टी आपने किसी ने देखा है जो मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल होता है, तंदूर बनाने के लिए वही मिट्टी का इस्तेमाल होता है। दूसरा, कोई भी अगर मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं तो तंदूर नहीं बनेगी। आप लोग पूछ सकते हैं सवाल क्यों नहीं बनेगी। एक मिट्टी होती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें रोटी चपके गए हैं और वो क्रैक करते हैं। बालू की मिट्टी, ये झड़ जाएगी, ये तंदूर है वो झड़ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ तंदूरें जो है बहुत जल्दी झड़ जाती है, साइड से झड़ती हुई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं बालू की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। और जो तंदूर टिका रहता है वो चिकनी मिट्टी होती है जो नदी के तलहटी से निकाली जाती है, नदी के से निकाला जाता है। तो मिट्टी के जो भी बर्तन खिलौने हो गए या फिर मूर्तियाँ हो गई या फिर तंदूर हो गए, उसी मिट्टी से बनती है, तो ये भी उसी से बनती है। तो ये तंदूर है। तंदूर क्या है, सिलेंडर के जैसा होता है ना। आपने ये दूरी देखा, ये जो डिस्टेंस है इसका जो रेडियस है, सेम रेडियस उसका नीचे भी होगा, अगर नहीं होगा तो ये टूट जाएगा। तंदूर ये बना हुआ है, तंदूर को उल्टा सीधा दोनों तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बनने के टाइम तंदूर कच्ची मिट्टी की बनती है, इसको हल्के आँच में, कोई भी चीज़ें जो मिट्टी की होती है उसको पहले हम हल्के आँच में पकाते हैं। लकड़े जो चारकोल होती है उसे हम काफ़ी देर तक इसको हल्की आँच में पकाते हैं, तो फिर ये लाल ब्राउन टनक हो जाता है, उसके बाद ये हमारे पास आता है। जब तंदूर हमारे पास आता है तो हम उसको एक इस तरह का एक आकार देते हैं, ये लकड़ा या इसको हम बनाने के लिए, सब हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए बनाया, इसको स्क्वायर कर दिए हैं कि जगह पे हमें स्क्वायर मिलेगा, ये डालें कि हमें गर्म ना मिले, इस तरह से ये ज़मीन के अंदर भी रहता है और ज़मीन के तंदूर ऊपर भी रहता है। जब हम इसको ये बनाए हैं, जब जो भी इसको बनाया हुआ तंदूरी है, तो उसने इसको ध्यान रखा होगा बनाने के टाइम में, हमेशा वो ध्यान रखता है कि इसकी जो हीट है वो स्केप ना करे। तो इसके लिए उसने अब इसको एक स्क्वायर डब्बे में डाला है, और तंदूर क्या होता है, सिलेंडर। तो जगह बचे होंगे है ना, तो जो जगह बचे हैं उसमें उसने डाला है शीशा, कांच और बालू, जिससे कि इसकी जो टेम्परेचर है वो स्केप ना करे बाहर से। और फिर जब हम इसको कोयला डालते हैं तो हम भी इसको ढक देते हैं। नीचे इसका दरवाज़ा है, उसको आप लोगों ने कहीं देखा होगा ट्रेनिंग के टाइम में, उसको हम सील कर देते हैं आटा से, है ना, कि उसकी हीट जो है वो स्केप ना करे। तो इस तरह से ये तंदूर बनी हुई है और हमारे पास ये सब लग के हमारे पास आया हुआ है, क्योंकि ये छोटा तंदूर है। इसमें हम लोग सुबह और शाम 8 किलो कोयला डालते हैं, 8 किलो कोयला डालने के बाद 4 किलो हमारे पास, 3 किलो राख बच जाती है, उसके बाद फिर हम और 4 किलो, 3 किलो राख इसमें हमेशा रहती है। राख हमें मदद करता है, जो ऐस है वो हमें मदद करता है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के। आप लोगों ने देखा होगा नीचे ऑटो में भी, यहाँ पर भी जब आपका तंदूर गर्म हो जाता है तो सिर्फ सरिया लेकर उसको सेट करता है, वो सेट नहीं करता, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कि राख उसके ऊपर हो जाए और हमको जो ताप जो मिल रही है वो कम मिले। तंदूर की टेम्परेचर जाननी जरूरी है। तंदूर की टेम्परेचर जब हम खाना बनाते हैं या फिर ये जब सेट होगा तो इसकी टेम्परेचर कम से कम 350 डिग्री या उससे ज़्यादा होगी, उसमें हम सब रोटी लगाते हैं। हम सब बहुत बहादुर है कि हम इतने गर्म टेम्परेचर में हम लोग रोटी लगाते हैं या फिर कबाब बनाते हैं। तो रोटी का तो फंडा बहुत क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल गया, जब ये तंदूर हमारे पास आई है तो हम इसको सीजन जरूर करते हैं। सीजन इसलिए करते हैं, जब हम रोटी बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ इसमें डालते हैं वो सूखा हुआ होता है, वो पानी सोखेगा, तो जब हम इसको कुछ चिपकाएंगे ना, या तो चिपक जाएगा या फिर वो छोड़ देगा, क्योंकि जब नान डो या आटा उसमें पानी ज़्यादा रहता है वो अपनी तरफ खींचेगा तो काला काला आएगा,
और रोटियां तो काला काला आती नहीं, घर के पास जाएगा तो देख कंप्लेन करेगा, इसलिए हम उसको सीजन करते हैं। सीजन करते हैं पालक, जैगरी, पालक ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जैगरी होगी, सरसों का तेल होगा वो भी ज़्यादा होगा, सरसों के तेल से बार बार उसे घुमाते हैं और छोटे हल्के आँच में इसको छोड़ देते हैं। तो क्या करता है, जो पालक की जो पपड़ी बनती है ना, वो उसके साथ जितने भी मिट्टी में डर्ट होते होंगे, डस्ट होते होंगे, जो चाकिया होगा जब वो घुमाता है तो सब छूट जाता है, वो सब वो निकाल के वो आ जाता है और तंदूर जो है तेल पी लेता है। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग लकड़े को, बेंत को तेल पिलाते हैं, माँ खाया है कोई घर पर बेंत से, या किसी के घर में वो लट्ठी में तेल लगाते हुए देखा, ये पूरा वही थी, वो मजबूत होता है। इस तरह से हमारी तंदूर मजबूत होती है। आश्चर्यजनक है, मतलब हम अगर कोई बोले कि लट्ठी को तेल पिलाए और ये मजबूत होगा तो ये आश्चर्यजनक है, लेकिन है ऐसा, हम मान के चलते और मजबूत होता भी है। तो ये इस तरह से मजबूत होता है, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएं, आँख बंद करके किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। पालक ज़्यादा होगा, सरसों का तेल होगा, जैगरी होगी और कुछ लोग केला भी डालते हैं पका। पालक इसलिए यूज़ करते हैं ना, जब पालक के पास एक बॉडी है तो जब वो सूखेगा तो अपने साथ बहुत सारे चीज़ों को खींच के निकालेगा। जैसे कि हम अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो वो क्या काम करता है, जब सूखता है तो पूरी थ्योरी है ये, मतलब तंदूर का के लिए पालक जो है मुल्तानी मिट्टी का काम करता है। ठीक वैसे ही जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, वो सारे डर्ट डस्ट को वो खींच के निकालेगा उसके। ये कहते हैं पर कि जो मिक्सर है ये पालक का, जो सड़ाते हैं दो तीन दिन के लिए लगाने से पहले, ये लेप लगाते हैं उससे पहले, बोलते हैं कि एक दो दिन के सड़ाना चाहिए। देखो सड़ाने के बाद क्या होता है, एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम, फर्मेंटेशन की प्रोसेस बड़ी आसान, मतलब हम सब जानते हैं, उसमें CO2 गैस बनती है और अल्कोहल बनती है, ये सब इसको इसके मतलब इसको मजबूती करेगा। जो पानी के जो छेद होते हैं छोटे छोटे, ये सारे उसको सील करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए सारे काम है, इसलिए हम उसको सड़ा देते हैं। हम सॉल्ट वाटर से इसलिए करते हैं, उसमें नमक की भी आवश्यकता पड़ती है। तंदूर में हम सॉल्ट वाटर तब लगाते हैं जब हमको लगता है कि हमारे तंदूर कुछ ही चपक नहीं रहा है, तब हम उसमें सॉल्ट वाटर डाल के उसको सफाई करते हैं कि हमारी चीज़ें चपक नहीं रहा। इसीलिए अगर किसी तरह नान या रोटी के डो में नमक नहीं है तो जल्दी चपकता नहीं है, इसलिए हम लोग नान या रोटी के डो में नमक डालते हैं, क्योंकि फुलका वगैरह में नमक नहीं डालते, उनसे तवा से पकाते हैं और तंदूर से पकाते हैं तो नमक थोड़ा सा डालते हैं, उसमें चपकते हैं। नहीं, ये सीजनिंग डेली नहीं होता है, तंदूर के इस्तेमाल के ऊपर है, हम उसका कितना इस्तेमाल किए। हम काम करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि मेरे तंदूर को अब सीजनिंग की आवश्यकता है। जब हम काम, जब रोटी हमारा चपकना बंद हो जाएगा, हमारे तंदूर दिखने लगेगा कि ये कमज़ोर हो रहा है तंदूर, कहीं से कुछ ना कुछ चपक रहा है या छूट रहा है, तो हमें लगेगा नहीं अब इसको सीजनिंग करनी ज़रूरी है। इस तरह से हम मतलब ये हम इस तरह से पता चल, लेकिन फिर भी 3 महीने में एक बार तंदूर को सीजन करना हमेशा अच्छा होगा कि हमारा तंदूर सीजन है और हमारा वो ज़्यादा साथ दे, हमारा इक्विपमेंट है, हम उसको जितना आदर सम्मान करेंगे वो बदले में हमको उतना रिटर्न देगा। कितने साल तक चल सकता है तंदूर? अनलिमिटेड साल, ये वही है, हमारा इक्विपमेंट है, हम उसको जितना आदर सम्मान करेंगे, जितना उसका सेवा करेंगे वो उतना हमारा साथ देगा, मिट्टी का सामान हमेशा चलेगा। ऐसा तंदूर लेंगे कितना पड़ता है, कितने रुपये लिए होंगे? एक कम से कम 15 से 20 हज़ार से बीच का पूरा इंस्टॉलेशन पूरा इंस्टॉल। तो आज के समय में बाजार में तंदूर जो है इस तरह से मिलती है, पहले क्या होती थी, तंदूर की डब्बी आ जाती थी, वो तंदूर है मिट्टी का तंदूर आ जाते थे, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करते थे, परमानेंट इंस्टॉल करते थे, वो 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल चलता था। अभी होता क्या है कि जब हम सरिया को पकड़ते हैं तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करते हैं, इसे खुरदते हैं, तो मिट्टी है ना, मिट्टी झड़ जाता है, लेकिन उसको खुरदना नहीं, उसको हल्का से ऐसे वो इसमें आके फंसता है। तो जितना हम अपने काम को सावधानी से करेंगे और ये सोचेंगे कि उसको हम जितना धक्का मारेंगे हमको तकलीफ हो रहा है तो हमारे काम कर रहे हैं, इस तरह से वो बचेगा। ये तंदूर जलाने के लिए
हमको ना बहुत ज़रूरी है तंदूर के लिए हम इसकी हीट को बचा के रखें, बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी इसकी हीट को नहीं बचा के रखेंगे तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। एक लकड़ी का कोयला, हम सब जानते हैं कोयले कोयला बहुत तरह के होते हैं। ये लकड़ी का कोयला आज से 20-25 साल पहले वो कोल आती थी तंदूर में यूज़ करने के, उसकी टेम्परेचर और ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते थे। हम लोगों के जीवन में सुविधा भी नहीं है, आने वाले जनरेशन को भी हम इस कोल का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो हमारा काम, हमारा मतलब तंदूर पर जब खड़े हो गए तो हमारा सबसे पहला जिम्मेदारी होती है कि हम इसके हीट को बचा के रखें। अगर हीट को नहीं बचाएंगे तो 11 बजे तक नहीं चल पाएंगे, बहुत जल्दी जल जाएगा। ये ढका हुआ होना चाहिए हमेशा कोयला जलने के बाद, और ये ढक्कन लगी हुई होनी चाहिए। एक ऑर्डर के बाद ये हमेशा बंद हो जाना चाहिए कि इसकी हीट भागे, हीट को बचा के रखना। हीट पैसा है कोयला का। इनके अगर हीट कम होगी तो फिर से कैसे? हीट कम होगी तो हमें कोयला डालना पड़ेगा बस, फिर हम देखते हैं इसमें राख होती है, व्यवस्था होती है, समय कितना है हमारे पास काम करने, उस हिसाब से हम अगला कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो उस समय करते हैं। लेकिन हमको हीट बचा के रखना बहुत जरूरी। जैसे हमने कहा कि तंदूर की टेम्परेचर 350 डिग्री होती है, रोटी आसान है, आपको केवल हिम्मत की आवश्यकता है तंदूर में काम करने के लिए, रोटी लगाने के लिए। इतना टेम्परेचर है आपको रोटी कहाँ लगा। तंदूर में काम करने के लिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आपको पूरा ध्यान दो अपने काम पर, काम को किस तरह से बढ़िया तरीका से करें, क्योंकि अक्सर आपकी हाथ जलेगी। ये जो है लोहा की है, ये यहाँ पर किस लिए लगा है? पूरे तंदूर को बांध के रखने के लिए। अगर ये लोहा है और इसी से लोगों की हाथ जलती है, वहाँ से नहीं जलती है, कोयला से नहीं जलता है, लोगों का हाथ केवल इससे जलता है। और ये सावधानी नहीं बरतने की, पैनिक होने की वजह से हम सभी हाथ उसमें छू जाते हैं और ये हर एक तंदूर में लगेगा। ये नहीं लगेगा तो तंदूर हमारा गिर जाएगा, टूट जाएगा, भसक जाएगा, तुरंत भसक जाएगा। तो 350 डिग्री की टेम्परेचर में हमें तंदूर, हम रोटी पकाते हैं। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा दो तंदूर होती है, एक कबाब के लिए, और अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि दो तंदूर होती है कबाब के लिए। कबाब के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को ये जानना है, हमारे पास बहुत तरह के सरियाँ हैं, ये भी एक सरिया में से सावधानी तो माया में कोई आएगा और बनवासी करेगा तो ये सीख। ये देखिए, आप लोग सब सोचते होंगे कि किचन में इतने तरह के सरिया क्यों हैं। आप लोग सोचते होंगे ना, जैसे कोई भी नया आदमी अगर किचन में आता है, या आप सब लोगों को जानने के लिए कि एकदम पतला सरिया है और एकदम ये मोटा भारी सरिया है, क्यों ऐसा अंतर क्यों है ना, सवाल है ना। ये पतला सरिया मच्छी, पनीर, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, इसके लिए ये एकदम पतला सरिया। और यहाँ पर एक स्टॉपर भी लगा हुआ है, ऐसे करके हम डालेंगे तो झर के नीचे नहीं गिरेगा। ये एकदम पतले चीज़ों के लिए, झींगा हो गया, छोटी आलू, पनीर, इन सब के लिए ये। उनसे भारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि बटन का कोई कबाब होगा, भारी चीज़ें क्या होती हैं, जब हम डालेंगे तो अपने बाहर से सरक जाएगा, ये बांधने का काम करेगा। इसमें अगर हम चिकन लगाएंगे तो चिकन हमारी सड़क के नीचे गिर जाएगी, इसलिए ये नाजुक चीज़ों के लिए, प्रॉन्स के लिए, उससे थोड़ा मोटा ही है। जब आप देखोगे तो प्रॉन्स की मच्छी के बाद क्या आती है, हमारी चिकन आता है, चिकन लगाने के लिए। उससे भी हम चिकन लगा सकते हैं, इसमें भी हम सीख लगा सकते हैं, ये थोड़ा मोटा है। लेकिन साधारणतः सीख कबाब वगैरह जो है वो इस तरह के मोटे और चौकोर में लगाते हैं, क्योंकि वो गोल होता है, हम उसको गोल लगाते हैं, तो जब हम वो बांधने का काम करते हैं, इसमें सीख बांधने का काम करते हैं, इससे बहुत बढ़िया सीख कबाब निकलेगा, या पूरी कबाब निकलेगा, या किसी भी तरह का सीख कबाब, इससे बहुत बढ़िया निकलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम चिकन वगैरह पकाते हैं, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब हम चिकन वगैरह पकाते हैं तो हमको हमेशा ध्यान रखना कि चिकन या फिर लैम या फिर सीख कबाब, उसकी जो जूस है वो तंदूर में गिर के ख़राब ना हो जाए। तो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने पढ़ा होगा ना ग्रिलिंग का हिसाब किताब, ग्रिलिंग किस क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जो मीट होती है वो सील हो जाए। सेम चीज़ें तंदूर में भी है, अगर आपकी तंदूर स्लो होगी
ठंडा होगा, आप उसमें कबाब डालेंगे, कबाब तो आपकी पक जाएगी लेकिन उसकी सारी जूसें गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, गेस्ट के पास जाएगा, कंप्लेन करेगा या सिर्फ आपको चिल्लाएगा। तो ये सब चीज़ें से हमें बचना है। तो आपको ध्यान दें, सावधानी बरतनी है कि हमारी टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, तंदूर पहले बार जो डाले वो फील हो जाना चाहिए, उसके बाद हम आस्ते आस्ते से स्लो करें, फिर हम उसको रेस्ट भी करते हैं, रेस्ट करते हैं, मास्किंग करते हैं, फिर से बटर में डाल के फिर पकाते हैं इस तरह से कबाब। हमें अब आप लोग सवाल करें। Louder, please, so that everybody else also can hear. So when we take out the kebabs, it gets very difficult. How to? Okay, tandoor, जब हम सरिया को जब तंदूर के अंदर डालते हैं तो ये सरिया गर्म हो जाती है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर रख दिया, ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हमारे पास बहुत ज़रूरी होनी चाहिए डस्टर। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तंदूर के अंदर का राख लगेगा ना, वो राख के साथ हम नहीं लिखा क्योंकि वो राख गेस्ट को चला जाएगा। तो सबसे पहला ये इसकी ये धार को साफ करना, धार को जब साफ करेंगे कबाब निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसको साफ कीजिए, ठीक है। ये जो आगे वाली जो सीख होगी उसको पहले पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, फिर पीछे लेके जाएंगे तो जैसे कि चिकन में चिपक जाता है, हम उसको दबा के पीछे लेके जाते हैं। अगर मुझे चार हाई जंप करना है तो मैं पहले पीछे जाऊँगा फिर कूदूँगा, ये सिंपल सा हिसाब है। आपको आपको कहीं जंप करना है तो हम एक कदम पीछे हटते हैं, ये वही सही है। आप पीछे करेंगे फिर सब आपस में चिपक जाएगा, सब एक साथ हो जाएगा। जब हम कबाब को लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी बना के चलते हैं। दूरी किस लिए बनाते हैं कबाब को लगाने के टाइम में, इक्वली हीट लगे। और कबाब जब भी हम पकाते हैं ना, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगी, पहली वाली पहले नहीं पकती, ये वाली पहले, इसकी टेम्परेचर, इसकी बनावट ऐसी है ऊपर भी डालते हैं। और आप सब दुनिया लिखी, ये बहुत पुरानी थ्योरी है कि हमेशा कबाब, तो कबाब कभी भी चेक करना होगा, मान लीजिए कि आपके सरिया में 8-10 कबाब हैं तो हमेशा ऊपर वाली कबाब को चेक, वो पक गया है तो सारे पक गए और वही पहले पक गए, तो हमेशा ऊपर वाला कबाब को चेक करते हैं पकने। अब आप और भी सबको देख सकते हैं लेकिन ऊपर वाली सबसे पहले हमेशा ऊपर वाला जो है, ऊपर रोटी नान जो भी है, सब लोग जब रोटी नान लगाते हैं सबसे पहले ऊपर में ही लगाते हैं, ऊपर ही पहले पकता है। तो सिलेंडर है ना ऐसे करके, तो घास जो है तेज जो है सीधा ऊपर की तरफ आता है, तो बना इसीलिए गया, उसमें विज्ञान है वो जिसको रोकता है। बाकी विकास हंस रहे उन्हें गीत का बहुत हिसाब किताब देखेंगे काम करके, पूरा कहानी आपको ये है। और कोई सवाल है तो पूछो। इलेक्ट्रिक और गैस ओवन का भी सेम होता है क्या? हाँ, एवरी प्रोसीजर एवरीथिंग। मैंने इलेक्ट्रिक पे भी काम किया और गैस पे भी काम किया। इलेक्ट्रिक टेम्परेचर का हिसाब वही है, गर्म हमेशा ऊपर होगा। आप अगर तंदूर को देखेंगे तो वो ऐसे करके लीड सीधा ऊपर आती है। हम लोगों ने पढ़ा होगा ना कन्वेंशन की थ्योरी, आप सब बचपन में पढ़े होंगे या 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे, मुझे उसे एक अचानक एक तरह याद आ गया। हीट जो है हमेशा ट्रैवल करती है, जहाँ से वो ऊपर होती है वहाँ से वो आगे की तरफ आती है, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। कोई भी अगर कोई गर्म चीज़ है और सिलेंडर है तो हीट हमको ऊपर ही मिलेगी, जो ऐसे घुमा हुआ पार्ट वहाँ पर मिलेगी। और ये सरिया को जब ऐसे छोड़ते हैं तो ये सरिया एकदम एग्जैक्ट हीट की जगह पे रहता है, जहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा लगेगा सरिया का जो लास्ट कबाब होगा वो यहाँ पर होगा, या फिर रोटी भी हम हमेशा यहीं पर लगाते हैं, यहीं पर। अगर आपको आगे देखना है तो देखिए सारे रोटी के छाप यहीं पर लगे सुंदर देखिए, तो सारे वहीं पर वो लगाएगा, नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर में कच्चा रहेगा। ये है रोटी का, रोटी का या फिर कबाब का। इनकी जगह तो जो आगे की तरफ और वो चीज़ें पकेंगे तो फिर से उसको ला के पकाना चाहिए। वैसे देखते हैं, जैसे कि ये है अब इसमें हम आप लोगों ने देखा होगा सब लोग रोटी इसमें लेके फिर ऐसा करके वैसा करके उसको पकाते हैं, नीचे भी लेके जाते हैं,
फिर हम सरिया से हम उसको सेट करते हैं, वो मेरे यहाँ पर कच्चा है इसके आगे की तरफ रहे की तरफ रहे, इस तरह से तय करते हैं। आप सबको आधा आधा घंटा आना चाहिए यहाँ पर, देखना चाहिए कैसे हो रहा है, लोग क्या करें, बिजी बिजी टाइम पर आएंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत आसान है तंदूर में काम करना, सबसे आसान काम है, लेकिन आपको अपने लिए सावधानी बरतनी पड़ सकती है और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए कि हम काम करें। शब्द इस तंदूर में और लोहे के तंदूर में क्या अंतर होगा? हाँ, सब कुछ सेम है। लोहे के तंदूर तंदूर एक और है, तंदूर लोहे की भी होती है, तो लोहे की वो मोटी बड़ी मोटी चादर होती है, उसमें बड़ी मोटी चादर होती है उसमें, लेकिन उसमें सारे हम जो नान और रोटी लगाते हैं अभी, ये नान और रोटी उसमें नहीं निकलेगा। लोहे की तंदूर में वही नान और रोटियाँ लगेगी जिसमें मोई ज़्यादा, जिसमें घी या बटर या फिर डालना ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगा, वही उसमें लगेगा, वही उसको मदद करेगा चपकने में, नहीं तो दूसरा नहीं चपकेगा। तो इस तरह तंदूर जो आईटीसी में है लोहे का तंदूर, उसमें वो केवल ये लगाते हैं, सिरमाल लगाते हैं, सिरमाल या फिर ताफ्तान वगैरह, इसमें घी बहुत ज़्यादा है, वो चमकता है जी। तो तंदूर के लोहे के तंदूर में भी हम कबाब पका सकते हैं, आस्ते आस्ते धीरे धीरे लोहे के तंदूर कम हो गए, कोई बनाता भी नहीं, कोई लोहार बनाता नहीं है, इसको बनाने के लिए पहले ढांचा थी लोहारों के पास, वो ढांचा बनाने वाला घर नहीं गए, कोई लोहार के पास मतलब यहाँ नहीं बनेगा, कोई गांव के नहीं कहीं जाके कोई सिस्टम नहीं बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादा किफायती है, ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, सब मतलब कम कम ट्रेंड लोग भी इसमें काम कर सकते हैं, हाथ जलने की उसमें से चपका तो हाथ चपका ना चपक लेगा, हाथ चपका लेगा वो, इसलिए नहीं चपका है। इलेक्ट्रिक वाली की कॉस्ट ज़्यादा होगी, फ्लेवर्स में डिफरेंस आते हैं, फ्लेवर्स में बहुत डिफरेंस आएंगे, चारकोल में या गैस वाले में कोई स्मोकी फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगी, आप धुआं भी नहीं निकलेगा मजे कर। शेफ एक टाइम में कितना किलो कोयला बैठ सकता है एक तंदूर में? इस तंदूर में हम 8 किलो कोयला डालते हैं। शेफ कितना टाइम लगेगा इसको वॉकिंग से? अगर 7 बजे भी आपकी स्टार्ट, देखिए हमारा जो शेफ था ना वो बहुत होशियार था, इसको खोला नहीं है और वो गया है चाय पीने। हाँ ऐसे ही होता है ना, हमको सोचना है, अगर ये हम ओपन कर देंगे तो ये तुरंत जल के राख हो जाएगा, तो जो शेफ है वो बहुत होशियार है, वो इसको बंद करके गया। हम सब जानते हैं आग को क्या चाहिए, आग होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन जरूरी है, तो उसने अब ऑक्सीजन यहाँ से कम जाएगा, यहाँ से ज़्यादा जाएगा, उसने इसको बंद करके रखा, तो जो सेफ है यहाँ पर वो बहुत होशियार है, उसको बंद करके रखा, उसको पता चलता है 6 बजे जब वो आएगा थोड़ा सा इसमें और हरकत करेगा उसका तंदूर सेट हो जाएगा। तो ये हमको तय करना है कि हम जितना उसको ऑक्सीजन से हम उसका सामना करेंगे उतना जल्दी वो जल के राख हो जाएगा, अवॉइड करना। हम लोग का शिफ्ट ये यहाँ पे जिसमें तंदूर में सर डिश कौन से सबसे ज़्यादा दिखती है हमारे यहाँ पर? वन फॉरेस्ट एक मुर्ग अफगानी टिक्का है, बरदारी मुर्ग है, लखनऊ वाली बरदारी मुर्ग है, कबाब बहुत ज़्यादा चिकन टिक्का से काकोरी कबाब भी टिक्का लगाते हैं इसमें तंदूर में तो बहुत ही निकलता है, उसके जूसेस होते हैं और मैरिनेशन में हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, तो वो तंदूर में काम करने के समय हमें और ध्यान देना जरूरी है। जब हमारे पास 10 ऑर्डर हैं कबाब के, जब हम 10 सरिया तंदूर में डालते हैं हमारी तंदूर स्लो हो जाएगी, तो उस समय पैनिक नहीं होना। नहीं, हमारी जो मेनू बनी है यहाँ पर उसमें तंदूर के डिशेज हैं लगभग 10 से 12 कबाब है, वेज कबाब है, पनीर के कबाब है, आलू की टिक्की है, छोटी आलू की कबाब है, पनीर के 2 प्रिपरेशन, झींगा के 2 प्रिपरेशन,
एक मच्छी है कबाब है चिकन के नीचे परेशान ड्राई नहीं हो जाती थी सर फिश बहुत जल्दी पक जाता है फिश पक जाता है हम उसका इंतजार नहीं करते इंतजार नहीं करते जब आप आएंगे शाम को मच्छी हम आपको डाल देंगे तो आप देखिएगा बहुत तेज आँच में उसको डाल देते हैं मच्छी का और मच्छी बहुत जल्दी पक जाता है मैंने कहा कि आँच तेज होनी ज़रूरी है फिश में पानी बहुत ज़्यादा होता है ना मटन से ज़्यादा पानी होता है तो जल्दी पक जाता है और उसके फ्लेस भी हल्के होते हैं तो जल्दी स्टीम हो जाता है हमको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हम उसको उतना देर तक ठीक पकाएँ कि वो गिरे ना फिश बहुत जल्दी पक जाता है फिश के लिए बहुत साधन है 6 मिनट में मच्छी पक जाए और ज़रूरी है कि हम उसको हाई हीट में डालें आपकी मच्छी सड़ जाएगी गिर जाएगी और रबड़ भी हो जाएगी झींगा के साथ भी यही चेक कैसे करेंगे सर तीनों को चिकन फिश और देखिए इसका कोई टेक्निकल हिसाब नहीं है हम सब जानते हैं जब हम मच्छी पकाते हैं करी में नहीं मच्छी पकाते हैं सब ये जानते हैं पहले से जानते हैं कि मच्छी जल्दी पक जाती है उसी तरह से 5 से 6 मिनट में मच्छी पक जाती है अब हमको ये ध्यान देना है कि मच्छी पक गई है लेकिन जले ना तो मच्छी को छूने से ही पता चल जाता है कि पक गया चिकन का भी वही है कलर आ गया हम उसको चिकन जब हम पकाते हैं तो हमारे हाथ में नाइफ होती है हम उसको ऐसे चीरा लगा के देखते हैं चीरा लगा के देखते हैं लास्ट सब्जी होगी यहाँ पर हम उसको चीरा लगा के देखते हैं और हमारा चिकन पिंक है वाइट है या फिर पक गया है और फिर एक बार चीरा लगा के जब हम दोबारा तंदूर में वाशिंग करके डालते हैं तो हम कन्फर्म हो जाते हैं कि पक गया मटन का भी वही मटन पकने में ज़्यादा टाइम लगता है 18 मिनट लग जाता है तब तक आप उसको रखिए लेकिन सावधानी आपको ये बरतना है कि ऊपर का मसाला जल ना जाए और मटन आपका कच्चा रह जाए फिर इसको मैरिनेशन करते हैं कबाब हैं हर एक कबाब से आप उसको जानते हुए कबाब के बेसिक 3 मैरिनेशन हैं रेड येलो वाइट इसके अलावा भी